करीब 1 से 1.5 इंच का होता है। देखिए, घोड़े के लिए तकलीफ दिया था और कैसे इसको इलाज किया है? सर ऐसा होता है, ये कीड़ा जब आँख में आ जाता है तो ये आँख के पीछे वाली जो कॉर्निया का लेयर होती है उसके बार बार रगड़ खाने से इसमें सफ़ेदी आ जाती है। और अगर अगर ओनर को अगर ये मालूम ना पड़े तो 15 से 20 दिन बाद घोड़ा पूरी तरह से अंधा हो जाता है। इसके इलाज में सिर्फ सर्जरी वाला ही एक इलाज है जिसे हम सर्जरी द्वारा इसे हम करते हैं। वहाँ के पशु मालिक ने मेरे से संपर्क किया और मैं अगले दिन वहाँ गया और एक घोड़े को हल्का सा सेडेशन देते हैं और उसी बीच में एक इंसीजन लगा के उस घोड़े को निकालते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इसे अंधा भी हो जाता है और इसका ऑपरेशन करना भी बहुत कठिन होता है क्योंकि हल्की सी गलती जो है पशु को ज़िंदगी भर के लिए अंधा कर सकती है। जी जी ये जो है मच्छर के काटने से होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं गाँव में और इन्हें बचाने का तरीका भी यही होता है कि अगर पशु को अगर लोग अपने ध्यान से रखें, मच्छरदानी वगैरह लगाएं, समय समय पर थोड़ा नीम का तेल या इसका तेल लगाएं ताकि मच्छर इससे पास नहीं आते हो, तो इस तरह हम बीमारी से हम बच सकते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं और इस कीड़े का क्या नाम है? इस बीमारी को हमारी डॉक्टरी भाषा में इक्वाइनोक्युलर सिटेरोसिस कहा जाता है और इस कीड़े को हम सिटेरिया वर्म बोलते हैं। अब क्या स्थिति है, किस तरीके से इसका इलाज किया है? देखिए इलाज तो जो है सर्जरी द्वारा ही करते हैं और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए हम जो है इसे हमने अपने इसमें कैद कर लिया है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा है ना, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, छोटा सा कीड़ा होता है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक होता है। अब क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि अभी मोर देन 55% जो है उसे आराम मिल चुका है और इस तरह की समस्या जो है लगभग 1 महीने से 2 महीने के बीच में पूरी तरह से सही हो जाती है। अगर अगर किसान जागरूक है तो जितना जल्दी अगर आसपास नज़दीक में जो भी उनके पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक हो उनसे संपर्क करें, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी ये सही होगा। कितने घोड़ों में इस तरह की बीमारी हो सकती है? देखिए ये चीज़ बड़ी रेयरली मिलती है घोड़ों में, अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी अन्य जानवर में भी ये मिलता है लेकिन घोड़ों में अक्सर ये चीज़ यहाँ पर एरिया में देखने को मिलता है।